तहसील मंडी के चकराड़ा इलाके में आज अल बदर फेडरेशन की जानिब से एक जिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। भारी तादाद में लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उलमाए किराम ने सीरत हुसैन और तारीख करबला पर मुफस्सिल व मुतअल्लिल बयान किए। लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद दुआया महफिल में भी शिरकत की। आखिर में सलातो सलाम और तबर्रक तकसीम होने के साथ तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। आपको दिखाते हैं मंडी के चकराड़ा इलाके से जही आवाज की ये रिपोर्ट। अरे दुश्मन अजल, अरे दुश्मन अजल, मर के तो कब्र न चल, पता चलेगा क्या हुसैन, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। पना के बाद फिर मुझे नहीं है मिल गई, किशार से अजाब से मुझे हुसैन है। अली का दूसरा पिसल किस कदर हसी जो कह दे मोइन दिल के दीन की पना हुसैन है। तुम जिस आर्मी हुकूमत के लिए अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाया है वो हुकूमत मिल जाएगी और मेरे भाई का खून नहा जल्दी रंग लाएगा। और तेरा ये ख्याल गलत है कि मेरे भाई का नाम मिट जाएगा, नहीं बल्कि मेरे भाई का नाम कयामत तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि उसने मुसलमान कौमों को जिंदा किया है, मुसलमान नस्ल को जिंदा किया है, दीनों हक को जिंदा किया है, मरी हुई रूहे जमहूरियत को जिंदा किया है। यजीद खामोश रहा और कहा कि कैदियों की रस्सियां खोल के इनको कैद खाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। गौर करो, इतने से पैगंबर है शाम का कैद खाना, अरे भाई है दमिश्क की अंधेरी कोठरी। अब शोर ना करे कह दो हवा से जा करे, अब शोर ना करे, अब शोर ना करे, तैबा से करे भला तक, तैबा से करे भला तक, तैबा से करे भला तक, सोया नहीं हुसैन, तैबा से करे भला तक, तैबा से करे भला तक, सोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने पढ़ खोला नहीं हुसैन। आए यजीद कितने
सूरत सलाम आए यजीद कितने बासूरत सलाम बासूरत सलाम किस लहर में दिया के किस लहर में दिया के डबोया नहीं हुसैन बेहतर है वो कि जिसने पढ़ खोया नहीं हुसैन। आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं समाज फरमाए हाकिम रिदा दीन पर वो दाग तो दिखा हाकिम रिदा दीन पर वो दाग तो दिखा वो दाग तो दिखा जिसको लहू से अपने जिसको लहू से अपने दोया नहीं हुसैन जिसको लहू से अपने दोया नहीं हुसैन बेहतर है वो कि जिसने ज़बहे अजीम आमद पिसर इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है एक ज़रबे युद्धमारी एक सईदा शब्बीरी। मोहतरम हजरात आप सभी लोगों ने उलमाए इकराम के मुदल खुतबा सुने मनकबत सुने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में वाकई करबला तारीख इस्लाम नहीं बड़े तारीख इंसानियत का वो बदतरीन वाका है। दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए हक और बातिल के बड़े बड़े मायर का हुए कहीं नमरूद आया कहीं शद्दाद आया कहीं फिरौन आया कहीं हमान आया ये हक और बातिल की जंग उस वक्त से वजूद में आए जब परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया उसके साथ साथ शैतान आ गया उसके बाद जब जब हक को भेजा गया बातिल साथ साथ आया। वही बात नवासाए रसूल ज़िक्र-ए-गोशाए बतूल इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में करबला में एक ऐसा बाब तारीख में रकम किया कि तो क़यामत तक के दर्सगाह बन गया। नवासाए रसूल ने जिस हिम्मत के साथ एक जालिम जाबिर हुक्मरान को चैलेंज किया वो बदबख्त उस वक्त सवाल यह नहीं कि यजीद का किरदार क्या था यजीद शराब पीता था जुआ खेलता था या बदकिरदारी करता था सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि यजीद जिस मेंबर पर बैठ चुका था जिस खिलाफत का दावा कर चुका था वो इस्लाम की खिलाफत थी वो मेंबर रसूल का था। हुसैन ने उस मेंबर को बचाना था मस्जिदों को बचाना था हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाना था इसलिए हुसैन ने अपने अजीज व अकरबा के साथ 10 मुहर्रम और हराम तमाम शुरू किए मामला तो सामने रखे मेरे आका इमाम अहमद रज़ा ने सारी दुनिया के अंदर इश्क मुस्तफा पेश किया और इश्क मुस्तफा पेश करके लोगों की नमाज को बचाया इसलिए कि मोइन उद्दीन रजमे अहमद तशरीफ लाए गरीब नवाज ने कुरान को दिया गरीब नवाज ने नमाज दी गरीब नवाज ने सजदा दिया गरीब नवाज ने लेकिन सजदे को बचाने वाला बरेली की धरती पर बैठने वाला अहमद रज़ा। वरना करबला में भी यजीदी नमाज पढ़ती थी करबला में भी तफसीली बात करूंगा वक्त भी नहीं है वरना ये मुहर्रम की जो तारीख जो मुहर्रम के जो मामला थे शहादत हुसैन जो है सिर्फ सरकार इमाम असर की शहादत के लिए कई घंटे जरूरत है लेकिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत न कोई बयान कर सकता है और न
نہ ہی کوئی سن سکتا ہے، یہ کرم ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی محفل میں بلا لیتے ہیں۔ تو مجھے پیاس لگی تو میں نے کہا اگر میں پانی کا کہوں گا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کسی کو اشارہ کرنا ہے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں، میں نے کہا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ بڑا دوسرا کوئی شخص نظر آیا، میں نے کہا پانی، اور سنو میرے آقا مفتی آدم ہند شبیح غوثی آدم نائب غوثی آدم سرکار مصطفیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا اکثر معاملہ یہ ہوا کرتا تھا، بلکہ اکثر لوگ بیان کرتے تھے کہ مفتی آدم ہند شبیح غوثی آدم سرکار مصطفیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جب بیٹھتے تھے اور آپ کو پیاس لگتی تھی تو مفتی آدم ہند نے کبھی کسی سے نہیں کہا لاؤ میاں پانی لاؤ، بلکہ مفتی آدم ہند کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بیٹھتا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج البہادر فیڈریشن کی طرف سے یہاں ایک سیرت حسین ذکر حسین کانفرنس رکھی گئی، جس میں متعدد علماء کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر بولے، منقبت پیش کیے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پیش کی گئیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت امام حسین نے اس مہینے محرم الحرام میں سن 61 ہجری کو اپنی قربانی دے کر اسلام میں ایک نئی جان بخشی تھی، اسلام کو زندہ کیا تھا۔ ان کی یاد میں، ان کے عزیز و اقربا کی یاد میں یہ کانفرنس منائی گئی، جس کا خالص مقصد ہے کہ اسلام کی لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت جو تھی وہ صرف کسی فرقہ کے لیے نہیں تھی، کسی قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی مسجدوں کو، نمازوں کو اور ان چیزوں کو، خطبوں کو زندہ کیا۔ اسی کی یاد میں جو تھی آج یہ کانفرنس منعقد کی گئی، اور میں اس کے لیے تمام لوگوں کو مشکور ہوں۔